तो चलिए अब खबरें विस्तार से। भरतपुर के पहाड़ी भीषण में हादसा हो गया है, जहां पर भीषण हादसे में सीकरी रोड पर बरखेड़ा गांव के पास कार और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें पहाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 5 गंभीर घायलों को रेफर किया गया है। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। कार को खंडेबला गाँव का एक निवासी हाल ही में लाया था, तथा सामले निवासी की बोलेरो गाड़ी थी। वहीं भरतपुर में हुए इस हादसे को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, क्या कुछ अपडेट है हादसे को लेकर? जी, जैसा कि देर रात को एक बोलेरो गाड़ी में और एक वेन्यू गाड़ी में भिड़ंत हुई थी, जिसको वेन्यू को ले गए, वेन्यू कार के और बोलेरो के टोटल 9 लोग घायल हुए थे, जिनको सबको पहाड़ी अस्पताल में एडमिट कराया। पहाड़ी अस्पताल से 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उनको रेफर किया गया था, जिसमें से देर रात्रि में रात में पता लगा कि 5 की मौत हो गई है और जो 4 घायल थे जिनका इलाज करते उनको घर भेज दिया गया है, वो खतरे से बाहर हैं। और जो मरने वाले हैं, जिसमें खंडेबला ग्राम के 3 लोग हैं और एक सोलाका का है और एक इस्माइलपुर किशनगढ़ का है, जिनके सबों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई की। जी शैलेंद्र, वहीं किसकी लापरवाही इसमें सामने आई है, यहाँ पर कार और बोलेरो के बीच में भिड़ंत हो गई है? जी, जैसे कि प्राथमिक तौर पे देखने को मिला है, बोलेरो गाड़ी आगे चल रही थी, पीछे से वेन्यू गाड़ी चल रही थी, तो इसमें तभी तो पुलिस की जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि किसकी लापरवाही है। पर ऐसा कोई मौका नहीं था जबकि गाड़ी के पीछे से गाड़ी घुसी है, और अभी तक मौके के बाद पुलिस की जाँच के बाद ही पता लग पाएगा। घायलों की क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? जी, जैसे कि वो 5 लोग तो मौत हो चुकी है और 4 लोग जो घायल हैं उनके अभी खतरे से बाहर। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।